आज हम सिर्फ बात करेंगे कुंडली के पहले भाव की, अर्थात जिसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं तनु, तन भाव। इससे जानते हैं क्या क्या विचार किया जाता है। शरीर की लंबाई चौड़ाई, शरीर का रंग, चेहरे की बनावट, बालों की संरचना, नाक कान मुंह की संरचना, इनसे इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। साथ ही शरीर रोगी होगा कि निरोगी, इन सब चीज़ों का विचार इसी से किया जाता है। तो ज्योतिष में तन नाम से लग्न भाव को पुकारा जाता है। कुंडली के, जन्म कुंडली के पहले भाव में जहाँ लग्न लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा होगा तो ASC लिखा होगा और हिंदी में लिखा होगा तो लग्न लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पहले भाव लग्न का स्वामी ग्रह मंगल और राशि मेष है। कुंडली के पहले भाव का संबंध हमारे शारीरिक बल, स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रूप, मस्तिष्क, स्वभाव, आयु, आत्मविश्वास, सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, तेज, आकृति, प्रकृति, आत्मा और यश को दर्शाता है। कुंडली में लग्न या लग्नेश के मजबूत होने से ये सभी पहलू भी मजबूत हो जाते हैं, ये सत्य है। कुंडली का पहला भाव हमारी आंतरिक और बाहरी छवि को नियंत्रित करता है। ये वो भाव है जिससे व्यक्तित्व के बारे में काफी कुछ पता चलता है। कुंडली का पहला भाव हमारी काया, सामान्य व्यक्तित्व, लक्षण, स्वास्थ्य, हमारे बचपन के बारे में भी काफी कुछ बताता है। कुंडली का पहला भाव कुंडली के अन्य भावों को भी प्रभावित करता है। कुंडली के सभी भावों में से सबसे महत्वपूर्ण स्थान लग्न का ही है, क्योंकि तुलसी धर्म धाम शरीर से। अगर शरीर ही नहीं रहेगा, जीवन ही नहीं रहेगा, तो फिर धन, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, वाहन किस काम का। जीवन अगर सुरक्षित है, जीवन अगर सुरक्षित है, जीवन अगर निरोग्य है, जीवन अगर प्रसन्न है, तो भोजन भी अच्छा लगेगा, कपड़ा भी अच्छा लगेगा, वाहन भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर पहला भाव ही समाप्त है, जीवन ही समाप्त है, तो और चीज़ों से क्या मतलब है। ये जीवन के शुरुआत का प्रतीक है पहला भाव। कुंडली का पहला भाव हमेशा हमारे व्यक्तित्व के आकार को देता है। कुंडली का लग्न अर्थात पहला भाव आगामी दुर्घटनाओं और दुर्भाग्य के बारे में भी संकेत करता है। पहले भाव से किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान, शोहरत, माँ से विरासत में मिली संपत्ति, लंबी यात्राओं के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं। कुंडली के पहले भाव की गतिविधियाँ वर्तमान की घटनाओं और हमारी श्वासों और पाचन क्रिया से जुड़ी हुई है। तो मैंने बताया पहले भाव का इम्पोर्टेंस क्या है और लगभग आप भी समझ गए होंगे। इसमें एक बात मैंने कहा, फिर से उसे रिपीट करूं, वो ये कि अगर कोई ग्रह अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में लग्न में अगर हो तो इसका फल सर्वोत्तम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर ग्रह शत्रु राशि में या नीच राशि में हो तो शरीर की स्थिति डामाडोल हो जाती है। ये दिमाग में बैठा के रखिए। अगर दो चीज़ें आपको दिमाग में बैठ गई तो आपको ज्योतिष समझने में बहुत आसानी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।